This conference will now be recorded. Can you hear me? Okay, great. Wait for a few minutes, let others come, then we start. In the meantime, humne kal discuss kiya tha network analysis ko, game theory ko aur queuing theory ko. आज हमने स्टार्ट करना है सिमुलेशन से, मैथमेटिकल लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड देन ओआर इन प्रैक्टिस. आज हम इंशाल्लाह अपना ये पहला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, लाइक हम टोटल डिफरेंशिएशन तक, लाइक पेज नंबर 22 तक हम वाइंड अप करेंगे. इसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स का एक पोर्शन बचेगा, वो हम मंडे को करेंगे और अगला टेस्ट आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन हो जाएगा. वो डे मैं अनाउंस कर दूंगा मंडे को, ठीक है? So let others come, then we will start in a few minutes. जी अब आ रही है जी आवाज़. अभी हमने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया था, सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द क्लॉक टू स्ट्राइक 1:45. इट जस्ट डेड. सो कल हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशन रिसर्च के टूल को. लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक. ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स में हमने तीन टूल्स रिव्यू किए थे. वी टॉक्ड अबाउट नेटवर्क एनालिसिस, गेम थ्योरी एंड क्यूइंग थ्योरी. लेट्स टॉक अबाउट सिमुलेशन. सिमुलेशन कहते हैं रियलिटी के करीब करीब मॉडल्स जो बनाए जाते हैं, जो कि कैप्चर कर सकते हैं रियल टाइम सिचुएशंस को. मीन्स दैट द मॉडल्स दैट कैन कैप्चर रियल टाइम सिचुएशन, जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो पहले सिमुलेट करते हैं
वो पहले क्या करते हैं, सिमुलेशन के थ्रू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग को और उसकी सेल्स की जो डिमांड है उसकी, उसको सिमुलेट करके देखते हैं व्हाट इफ सिनेरियोज अप्लाई करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर रीजन में एडवर्टाइज करेंगे तो सेल्स कितनी आएंगी, अगर मैसिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सेल्स कितनी आएंगी। तो बेसिकली सिमुलेशन जो है दैट अलाउज यू टू एडजस्ट द इनपुट पैरामीटर सो दैट यू कैन टेस्ट डिफरेंट हाइपोथेसिस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमुलेशन। सिमुलेशन में आप क्या करते हैं, यू बिल्ड मॉडल दैट रिप्रेजेंट अ सिस्टम एंड देन यू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मॉडल। ठीक है, फिर आप उस मॉडल पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। सिमुलेशन से रिसर्चर इनपुट पैरामीटर को चेंज करके आउटपुट को बेहतर तौर पे फोरकास्ट कर सकता है। सिमुलेशंस की सबसे जो इंटरेस्टिंग टेक्निक है उन्हें हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस कहते हैं। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस जो है 1940s में बड़े कामयाब हुए थे जब अमेरिका ने एटॉमिक रेडिएशन को सिमुलेट किया था कि अगर कहीं पे एटम बम गिराया जाए तो उससे कितनी रेडिएशन पैदा होंगी, वो रेडिएशन जो है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अफेक्ट करेंगी और उसमें कितनी डेथ एक्सपेक्टेड हैं। तो ये सिमुलेशन की थी, इसे अमेरिकन ने मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन का नाम दिया था। तो और आज तक फिर सिमुलेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारी सिमुलेशन जो है वो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन ही कहलाती हैं। तो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन आर वन ऑफ द वाइडली यूज सिमुलेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट नाउ। सिमुलेशन को हम बिजनेस में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन करने होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करने होते हैं, जब हमने मटेरियल हैंडलिंग करनी होती है, रॉ मटेरियल किन किन सोर्सेज से आएगा, कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, गवर्नमेंट ने जब ट्रैफिक कंट्रोल करनी होती है, गवर्नमेंट ने जब रोड्स पे ट्रैफिक सिग्नल्स को इंस्टॉल करना होता है, तो वहाँ पे सिमुलेशन जो हैं वो हम करते हैं। फिर हम सिमुलेशन को कैश फ्लोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमुलेशन कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन मॉडलिंग को, कि आप मॉडल करते हैं रियलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखें, इसके ऊपर एक बड़ी सी एग्जांपल है, ये देखें। प्रायर टू ओपनिंग न्यू टर्मिनल 5 एट लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ इस एयरपोर्ट पे दुनिया की सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स लैंड होती हैं और टेक ऑफ होती हैं। ठीक, तो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट जो है, इन्होंने वहाँ पे एक नया टर्मिनल को टर्मिनल 5 खोलना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले से सिमुलेट किया, उन्होंने एक सिमुलेशन रन की और सिमुलेशन में उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्लान किया कि चेक इन क्यूज, वीज़ा प्रोसेसिंग, इमिग्रेशन कंट्रोल, बैगेज सिस्टम। एक नॉर्मल बिजी डे में जितनी पैसेंजर ट्रैफिक वहाँ पे आ सकती थी उतनी ट्रैफिक उन्होंने खुद क्रिएट करवाई, डमीज क्रिएट करवाए और उन डमीज की बेस के ऊपर उन्होंने ये सारे के सारे सिस्टम्स को चेक किया। तो मैनेजमेंट वर एबल टू एनालाइज कि किस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे टाइम कम लग रहा है, कहाँ पे हमें ज़्यादा स्टाफ हायर करना है, वेटिंग टाइम्स कितना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, बैकलॉग कहते हैं जब आपका वेटिंग टाइम बढ़ता है तो आपकी बैकलॉग बन जाती है, बैकलॉग बनने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो अगर वो आपसे कहें कि जी सर वेट करें 10 मिनट के लिए, तो अभी आप वेट कर रहे हैं तो एक और कस्टमर आ जाएगा, उसे वो कहेगा जी 20 मिनट्स वेट करें, अब बैकलॉग बन रहा है, इसे बैकलॉग कहते हैं। तो बैकलॉग जो है वो कितने बने, बैगेज कितने लॉस्ट हुए, ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने सिमुलेशन से पहले ही निकाल ली कि जब पब्लिक के लिए कमर्शली ओपन किया जाए टर्मिनल को तो ऑलरेडी वहाँ पर ये सारे के सारे इशूज़ हैंडल हो चुके हों, डिस्कस हो चुके हों। और इट इसे कहते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन के बाद तीन टूल्स हैं जो कि मैथमेटिकल हैं और ये तीनों टूल्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर बिल्ड करते हैं। देर आर थ्री टूल्स विच आर मैथमेटिकल एंड ऑल द थ्री टूल्स बिल्ड ऑन वन अनदर। इसमें सबसे बुनियादी जो टूल है वो है मैथमेटिकल लॉजिक का। सबसे बेसिक टूल है मैथमेटिकल लॉजिक का। मैथमेटिकल लॉजिक कहते हैं कि आप किसी भी सिनेरियो को या किसी भी सिचुएशन को आप वेरिएबल्स की शक्ल में डिफाइन कर देते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक जो है इसका मतलब है कि यू ब्रिंग इन वेरिएबल फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्टिव सिचुएशन। मैथमेटिकल लॉजिक की बेस्ट एग्जांपल आपको मिलती है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। मैथमेटिकल लॉजिक में इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिलती है लीनियर प्रोग्रामिंग में। आप क्या करते हैं, आपको सिचुएशन गिवन होती है, एक कंपनी के पास दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट उनके पास लेट्स सपोज लेदर बेल्ट्स हैं और लेदर वॉलेट्स हैं।
और कंपनी को डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए. अब एक सब्जेक्टिव सिचुएशन दी जा रही है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस सिचुएशन में वेरिएबल्स डाल देंगे. लेट्स सपोज आप कहेंगे ओके फाइन लेट्स कॉल एक्स वन दिस इज लेदर बेल्ट, लेट्स से एक्स टू दिस इज वॉलेट, ओके फाइन. ठीक है, अब आपके पास रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, लेबर है, लेट्स से और कोई रिसोर्सेज है. अब आप इसकी बेस पे कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, यू विल डिफाइन द कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, 5x1 प्लस 4x2, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स आप डिफाइन करेंगे, लेट्स से x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 50, लेट्स से. ठीक है, अब आप ये क्या कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैथमेटिकल लॉजिक. आप किसी भी सब्जेक्टिव सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अ सब्जेक्टिव सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो सबसे जो बुनियादी काम होता है मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, आप सबसे पहले क्या करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक जो है वो कहते हैं इंटेग्रल है. इंटेग्रल मीन सबसे इंपॉर्टेंट है इन बाकी टेक्निक्स के अंदर भी. इनफैक्ट गेम थ्योरी में भी आप देखें लॉजिक इन्वॉल्व है. गेम थ्योरी में भी आप एक सिचुएशन को मैथमेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो गेम थ्योरी भी मैथमेटिकल लॉजिक पे बेस करती है. इसी तरह क्यूइंग थ्योरी में भी आप मैथमेटिकल लॉजिक इंड्यूस करते हैं. मैथमेटिकल लॉजिक कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारी के सारे के अंदर. मैथमेटिकल लॉजिक के थ्रू आप रिलेशनशिप्स को डेवलप कर सकते हैं बिटवीन वेरियस कॉम्पोनेंट्स एंड वेरियस वेरिएबल्स एंड यू कैन डिफाइन डिफरेंट पैरामीटर्स. लॉजिक फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्रॉ करते हैं, उसके कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, उसकी बेस पे आप उसकी फीजिबल वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो भी आप करते हैं सारा कुछ का सारा मैथमेटिकल लॉजिक है. जब तक लॉजिक बिल्ड नहीं करते ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते. यू हैव टू बिल्ड लॉजिक फर्स्ट बिफोर यू ऑप्टिमाइज. ठीक है, लॉजिक बिल्ड किए बगैर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है. लॉजिक बिल्ड किए बगैर देयर इज नॉट ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल. मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज का लफ्जी मतलब होता है अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना. ऑप्टिमाइजेशन कैन बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और इट कैन बी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. यानी आप लोग जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं. ठीक है, और आप डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू ये वर्ड सही कर लें, दिस इज ऑप्टिमल नॉट ऑप्टिकल, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स. यानी आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया, आपने कॉन्स्टेंट्स लिख लिए, ये आपकी मैथमेटिकल लॉजिक हो गई. अब ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, आप ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स के अल्टरनेटिव्स को निकालेंगे और फिर आप हर कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को आप बारी बारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के देखेंगे कि कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमाइज होती है या अगर कॉस्ट है तो मिनिमाइज होती है. ऐसे ही करते हैं, इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज नोन एज मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन. मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इधर यू आर विलिंग टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट और यू आर विलिंग टू मिनिमाइज योर कॉस्ट. तो आप सिस्टमेटिकली फिर इनपुट वैल्यूज को चेंज करते हैं अपनी फीजिबल रेंज के अंदर रहते हुए कि कहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो बेस्ट आता है. Then we have mathematical modeling. Mathematical modeling जो होती है ये mathematical language और mathematical concepts के ऊपर बेस करती है कि आप किसी भी सिस्टम को mathematical concepts से describe करने की कोशिश करते हैं. मतलब अगेन इसके बैकएंड पर लॉजिक ही काम कर रही है. आप पहले वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे लेकिन फिर आप उसके अंदर क्या करते हैं, बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. आपने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ी है ना, रिग्रेशन पढ़ी है आपने, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग. y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a आपका y इंटरसेप्ट है और b आपका स्लोप है, यही इंफॉर्मेशन होती है ना. तो अब आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक रियल टाइम सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल कर रहे हैं. लेट सपोज y आपकी सेल्स हैं, x आपकी है स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट, आप कितना पैसा खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, उसके अगेंस्ट आपको सेल्स कितनी हासिल होती है,
इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, दैट इज नोन एज मैथमेटिकल मॉडलिंग। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज मैथमेटिकल मॉडल, जिसमें आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ द फ्यूचर। आप x की वैल्यू चेंज करें तो आप y की नई नई वैल्यूज निकाल सकते हैं, आप x को अपडेट करें तो आप y जो है उसे अपडेट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक, सो डिफाइनिंग अ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग अलाउज द रिसर्चर टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। आप लोगों ने पढ़ी है लीनियर रिग्रेशन, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और आप एक लीनियर रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होती है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन जो होती है इसके अंदर मोर देन वन वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज y वेक्टर प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू अप टू सो ऑन। ठीक है, दिस इज x1 वन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, दिस इज सेकंड इंडिपेंडेंट, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं, दे आर योर कंपोनेंट्स, और x1 x2 की वैल्यू चेंज करके आप y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द इनपुट कंपोनेंट्स, बाय चेंजिंग द इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज को चेंज करके हम कंपोनेंट्स को चेंज करके हम फोरकास्ट कर सकते हैं ये सारे के सारे जो भी हमने मॉडल्स देखे हैं इनको अप्लाई करने की एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच से क्या मुराद है कि आपने जब भी किसी भी पर्टिकुलर टूल को यूज करना होता है आप उसको एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हैं पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम को, यानी आप किसी भी गिवन सर्कमस्टांसेस में पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स को डिटरमिन कर लेते हैं। बिल्कुल ये आपने सब पढ़ा है बिजनेस मैथ्स के अंदर, रिग्रेशन पढ़ी हुई है सारी आपने। तो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू डेवलप पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर आप हर सॉल्यूशन के अल्टरनेटिव्स को टेस्ट करते हैं so that you can come up with most workable solution, और फिर आप उस simulated solution को जो आपने test किया होता है उसे आप apply करते हैं, आप simulate करके देखते हैं और simulation के बाद आप फिर आप best possible solution को जो है वो determine कर लेते हैं, you determine the best possible solution। ठीक, so that is how organizations work, that is how organizations जो है वो operate करती हैं, काम करती हैं। उनके जो business models हैं वो इस तरह से कि पहले आप मल्टीपल सॉल्यूशंस को डिटरमिन करते हैं, फिर आउट ऑफ दो सॉल्यूशंस यू सी दैट विच सॉल्यूशंस आर मोर फिजिबल, फिर उन सॉल्यूशंस की बेस के ऊपर फिर आप क्या करते हैं, आप सिमुलेशन रन करते हैं। तो आप उन सॉल्यूशंस को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं विद डिफरेंट टेक्निक्स, साइकोलॉजी की टेक्निक्स होती हैं, मैनेजमेंट साइंस की टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं सॉल्यूशंस को टेस्ट करने की। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टेक्निक्स, हम यहाँ पर टेक्निक्स की बात नहीं करेंगे। आजकल के दौर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज हाउ एग्जामिनर पुट अ क्वेश्चन। एग्जामिनर सिचुएशन दे देता है तो आपसे कहते हैं बताएं ओ आर का कौन कौन सा टूल कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल हो। एग्जामिनर विल गिव अ सिचुएशन एंड विल टेल के ओ आर का टूल कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैक्सीमाइज प्रॉफिट या मिनिमाइज कॉस्ट करनी हो तो उसमें कौन सा टूल यूज होगा, विच टूल इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस मैक्सीमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप लोगों ने क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करना हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी हो तो कौन सा टूल यूज करेंगे, विच टूल इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर क्रिटिकल पाथ और मैथमेटिकल अपना सीपीएम के लिए। ठीक है, अगर आपने राउटिंग करनी हो फॉर एग्जाम्पल लोगों के लिए आपने फॉर ट्रांसपोर्ट और फॉर पीपल, तो राउटिंग के लिए कौन सा टूल बेहतर है जिसमें आप क्यूइंग थ्योरी, एग्जैक्टली राउटिंग में हम क्यूइंग थ्योरी यूज करते हैं। यस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिफरेंट
मॉडल आ सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्यूइंग थ्योरी भी आ सकती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर गेम थ्योरी भी आ सकती है। ये एक बहुत ब्रॉड एरिया है, तो इसमें हम कोई स्पेसिफिक एक टूल का जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, स्केड्यूलिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे? अगर आपने स्केड्यूलिंग करनी है के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? क्यूइंग थ्योरी, बिल्कुल सही है। डिटरमिनिंग ऑप्टिमल प्राइसेस, ये भी अभी डिस्कस किया है हमने। यहाँ पे हम वही मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमल प्राइसेस के लिए भी मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं। ओआर जो है, इसके लिए आपको फिर स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओआर के लिए आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं, जिनको आप, जिनके पास ये तमाम एक्सपर्टीज हों, ये तमाम टेक्निक्स हों, इनको यूज़ करने का तरीका हो। इसलिए अक्सर इदारे फिर क्या करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च के जो टूल्स हैं और जो डेटा एनालिसिस है, ये फिर आउटसोर्स कर लेते हैं किसी ऑपरेशन ब्यूरो को या किसी रिसर्च ब्यूरो को, कि वो उनके लिए ये सारे टूल्स अप्लाई करते हैं, रादर देन कि वो खुद सारे के सारे टूल्स यूज़ करें, अप्लाई करें। दे सिंपली आउटसोर्स, क्योंकि अगर अक्सर इदारों के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्केड्यूलिंग के लिए हम क्यूइंग थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने वहां पे स्केड्यूलिंग करते हुए कंजेशंस को देखना होता है कि कंजेशंस कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दैट इज अ ब्रॉडर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी। ये समरी है, इट्स जस्ट अ समरी ऑफ वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार। और पेपर में इसी समरी के ऊपर 8 नंबर का सवाल आ चुका है मार्च 2017 में। मार्च 2017 में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया था कि क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज को डिफ्रेंशिएट कर दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था पेपर में, ठीक, 8 मार्क्स का। क्लासिकल थ्योरी ने फोकस किया था जनरल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमिन करने के लिए, जबकि मॉडर्न थ्योरीज ने बहुत सक्सेसफुली क्लासिकल थ्योरीज के बहुत सारे एरियाज को चैलेंज किया। स्केड्यूलिंग देखें, अगर हम बात करें ना प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग की, देन वी कैन अप्लाई नेटवर्क एनालिसिस। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्केड्यूलिंग की। स्केड्यूलिंग और प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में फर्क होता है। यस यू आर राइट, बट दैट वुड बी इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस स्पेसिफिक टूल है सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इट कैन नॉट बी यूज्ड और इट डजंट अप्लाई एनीवेयर एल्स। तो नेटवर्क एनालिसिस को अगर वर्ड प्रोजेक्ट लिखा होगा ना, तो वहीं पे, फॉर एग्जांपल सीपीए निकालना है, क्रिटिकल पाथ निकालना। तो क्लासिकल व्यू का फोकस किया था जी, वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, ह्यूमन एलिमेंट को नहीं करना कंसिडर। ये बहुत हमने डिबेट की इस पे। टेलर ने कहा कि किस तरह से हम वर्कर एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटेशन, बट परसिस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वर्क कैन रिड्यूस मोरल, इरोजन इन गुडविल, गुडविल इरोड, इरोड का मतलब होता है खत्म हो जाना, फारिग हो जाना। अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, लेबर एंड मैनेजमेंट कैन कम टू अ स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर की है, इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज इट ट्रीट्स ह्यूमन लाइक मशीन और क्लोन्स रादर देन इंडिविजुअल्स। इसकी बेस पे रिवोल्ट आया था, रिवोल्ट कहते रेवोल्यूशन को, रेवोल्यूशन आई थी, एक बड़ा ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशन आया था और मिड ट्वेंटी सेंचुरी में, जिसमें फिर स्ट्रेंथन किया गया था यूनियंस को, और उसको फिर हमने मॉडर्न टाइम्स में आके मजीद फर्दर रिवर्ट किया था। क्लासिकल थेरीज कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाती हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर ये पॉसिबल नहीं होता कि वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट पाया जाए। हर तरह के इदारे को चलाने का एक ही तरीका नहीं होता, हर तरह के इदारे को मैनेज करने का कॉमन वे नहीं होता। यहाँ पे फिर पीटर ड्रकर ने स्टेप इन किया था, और पीटर ड्रकर ने आके कहा था कि देयर आर डिफरेंट वेज इन विच पीपल कैन बी मैनेज्ड। क्लासिकल थ्योरी जब प्रेजेंट की गई थी, तो दैट वाज अ हाईली लेबर इंटेंसिव एरा। क्लासिकल थ्योरी लेबर इंटेंसिव एरा में प्रेजेंट की गई थी। आजकल का जो दौर है, दैट इज सर्विस इंटेंसिव एरा। आजकल के दौर में सर्विसेज आर मोर इम्पॉर्टेंट, मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट आर मच ग्रेटर सर्विस ओरिएंटेशन। आजकल लेबर से ज़्यादा सर्विस पे काम होता है।
पर्सनल टच की बात होती है. पर्सनल टच से मुराद है आप कितना कनेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ, इंडिविजुअलिज्म, कस्टमर की नीड्स के मुताबिक सर्व करना, क्लाइंट सर्विसेज देना. तो आजकल जो ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है एज कम्पेयर टू मशीन मैकेनिस्टिक वे ऑफ डूइंग थिंग. ठीक है, आई कुडंट गेट इट. क्या हो रहा है बेटा? सो डिस्टॉर्शन सबके साथ हो रही है क्या, सिर्फ नवीद? नहीं हो रही. चेक योर इंटरनेट कनेक्शन प्लीज, और देखें सिग्नल तो नहीं ड्रॉप हो रहे आपके नेट के. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लासिकल थ्योरी सिर्फ उस हद तक कामयाब हैं जब तक आप फैक्ट्री फ्लोर पे काम कर रहे हैं, जब तक आपके लिए बिहेवियर्स या ह्यूमन रिलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है. वहाँ से आगे चलती है मॉडर्न थ्योरीज. हाँ, लेकिन वो कहता है आज के दौर में भी क्लासिकल मैनेजमेंट के कुछ चीज़ें अभी तक वैलिड हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी तक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. मायो के जो आइडियाज़ हैं दे हैव बीन सब्सटेंशली डेवलप्ड बाय द मॉडर्न राइटर्स. मॉडर्न राइटर्स ने मायो के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डेवलप किया है. ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरीज जो हैं वो कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट सर्कमस्टांसेस, किस किस्म के हालात में आप ऑपरेट कर रहे हैं, और देर इज़ नो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग. एक काम को करने का बेस्ट वे नहीं है. हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रॉब्लम है और उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली हैंडल करना है. इस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉन्टिनजेंसी थ्योरी. कॉन्टिनजेंसी थ्योरी कहते हैं कि द बेस्ट सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. हालात बताते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कैसे आएगा. This is the situation that defines that what is going to be the best situation solution. तो ये बेसिकली आप समझ लें कि एक सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म है. ठीक है, कि इसके अंदर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है, या आपका आपकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, या आपके इसमें प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए, या आपने किस हद तक इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करना है. दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन. So here we conclude the modern theories and the classical management theory. Out of these 11 theories and 7 tools of OR, paper mein bada important question expected hai iske andar. 11 theories hain aur 60 tools hain OR ke. Iske baad aakhri topic hai hamare paas is chapter ka, and that is skills of management. Management skills bahut sare hain. Isme se kuch skills to aage pure pure chapters ki shakal mein aapke samne aayenge. For example, stress management pura chapter padhenge aap. सिक्स चैप्टर में ये पूरा एक टॉपिक है. निगोसिएशन स्किल्स से आप एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 10 चैप्टर. लीडरशिप पे हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 8 चैप्टर. इसी तो 6 चैप्टर में स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे, 8 चैप्टर में वील टॉक अबाउट लीडरशिप, 10th चैप्टर में वील टॉक अबाउट निगोसिएशन. हाँ, कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो बड़े कॉमन हैं और उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, इट इज़ समथिंग लाइक यू आर डूइंग इट इन रूटीन प्रैक्टिस. देर आर सम स्किल्स जो बड़ी रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बनते हैं. ठीक है, तो जैसे टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट अ वेरी रूटीन स्किल. टाइम मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया था पेपर में 5 मार्क्स का. मैनेजर्स को अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना है. टाइम मैनेजमेंट के अंदर 2 चीज़ें. नंबर 1, पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स को. बैरियर्स कौन से होते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के. 5 मार्क क्वेश्चन वॉज देयर इन द पेपर बेस्ड ऑन दीज 5 पॉइंट्स. ये 5 पॉइंट्स पूछे गए थे, क्वेश्चन वर्थ 5 मार्क्स. तो मैनेजमेंट की इफेक्टिव प्लानिंग के पीछे, मैनेजमेंट ऑफ टाइम के इफेक्टिव प्लानिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो बैरियर का रोल प्ले करते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हिंडर करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोक देते हैं. तो देयर आर 5 की बैरियर्स. द फर्स्ट बैरियर इज प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं थिंकिंग टू लॉन्ग बिफोर यू मेक अ डिसीजन. सोच में पड़ जाना. आप भी जब किताब खोलते हैं बीएमबीएस की तो आप एक सोच में गुम हो जाते हैं और आधे आधे पौने पौने एक घंटे बाद आपको याद आता है, ओहो मैं तो बीएम पढ़ने बैठा था, या मैं तो बीएम पढ़ने बैठी थी. ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं थिंकिंग टू लॉन्ग बिफोर यू मेक अ डिसीजन, थिंकिंग टू लॉन्ग बिफोर यू मेक अ चॉइस. जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
Okay, sorry for the interruption. So procrastination means thinking too long before you make a decision. आपने डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन की एक विंडो होती है, उसका एक टाइम होता है. अगर आप वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे उस डिसीजन को लेने में, तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट टाइम टू लॉन्च द प्रोडक्ट, ये बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है कि एक कंपनी ने प्रोडक्ट तो नया बना लिया है, लॉन्च कब करें, व्हाट शुड बी द बेस्ट टाइम. क्या किसी सेरिमोनियस ओकेजन पे लॉन्च करें, जैसे ईद आती है फॉर एग्जाम्पल, जैसे और कोई त्यौहार आता है, क्या किसी सीजन के शुरू में लॉन्च करें. अगेन डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है. लेकिन आप सोचते रहें, अच्छा जी अब लॉन्च करता हूँ, कल लॉन्च करता हूँ, तो टाइम गुजर जाएगा. इन इफेक्टिव डेलीगेशन, सब कुछ खुद करना चाहते हैं आप. इंसान एक मशीन नहीं होती, इंसान इंसान होता है और उसकी एक वर्किंग कैपेसिटी होती है. एंड आइडियली स्पीकिंग, अ पर्सन कैनॉट वर्क बियॉन्ड हिज और हर कैपेसिटी. तो जब आप सब कुछ खुद करना चाहते हैं तो आप इन इफेक्टिव हो जाते हैं डेलीगेट करने में. यू डोंट डेलीगेट इन अ गुड वे. और इन अप्रोप्रिएट डेलीगेशन फिर टाइम जाया करवाती है. मिसमैनेजमेंट ऑफ पेपर एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ये तो खैर स्टूडेंट भी बेचारे इसका शिकार होते हैं. लेक्चर कागज़ पे लिया था, कहाँ नोट्स लिए थे, वो कागज़ ही नहीं मिलता. बुक में कहाँ पे कोई अच्छी बात लिखी थी, रिक्वायर्ड टॉपिक लिखा था, वो भी टॉपिक नहीं मिलता. तो ये भी एक बैरियर है आपको मिसमैनेजमेंट से बचना है पेपर वर्क की. अटेंडिंग और ऑर्गेनाइजिंग अननेसेसरी मीटिंग्स, ऐसे ही दफ्तर में आपके लोग आके बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए, या आप किसी के ऑफिस चले जाते हैं टाइम ज़ाया करने के लिए, तो आपको अननेसेसरी मीटिंग्स को बचाना चाहिए. यू हैव टू प्रिजर्व दिस टाइम फॉर समथिंग प्रोडक्टिव. फेलिंग टू सेट प्रायोरिटीज, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते. यू फेल टू सेट प्रायोरिटी, कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है. जब आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हैं, आप टाइम ज़ाया कर देते हैं. तो बेसिकली बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट 5 हैं: प्रोक्रेस्टिनेशन, इनफेक्टिव डेलीगेशन, मिस मैनेजमेंट ऑफ पेपर वर्क, अटेंडिंग टू अननेसेसरी मीटिंग, एंड फेलियर टू सेट प्रायोरिटीज. ओके, अब इन बैरियर को रिमूव कैसे किया जाए, हाउ टू बी एन इफेक्टिव टाइम मैनेजर, ये दूसरा क्वेश्चन है. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है. तो ये तो समझ आ गया कि टाइम मैनेजमेंट के बैरियर ये हैं. नाउ हाउ डू वी डू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. सबसे पहला काम आपको करना होता है, आप डिटर्मिन करें कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें अर्जेंट टास्क कौन से हैं, नॉन अर्जेंट टास्क कौन से हैं, रिक्वायर्ड कौन से हैं, नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड कौन से हैं. टास्क मेनली अर्जेंट होते हैं, नॉट अर्जेंट होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड बट वुड लाइकली टू हैव, और तेरे से रिक्वायर्ड ही नहीं होते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्क प्लेस के ऊपर बैठ के फेसबुक यूज करना, दैट इज सच अ टास्क विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट द वर्क प्लेस. वर्क प्लेस के बैठ के ई मेल चेक करना, जी सी, नॉट एज सच रिक्वायर्ड, लेकिन यू वुड लाइक टू हैव इट, कि ई मेल्स में कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है. ठीक है, कुछ टास्क अर्जेंट होते हैं. अर्जेंट टास्क वो होते हैं जिनकी डेडलाइन करीब होती है. द टास्क जिनकी डेडलाइन करीब होती है वो अर्जेंसी के लेवल पे हाई होते हैं. जिनकी डेडलाइन अभी दूर होती है वो टास्क इतने अर्जेंट नहीं होते. तो अर्जेंसी को हम डिफाइन करते हैं डेडलाइन की बेस के ऊपर. फिर आप प्लान की मॉनिटरिंग करें, रिमीडियल एक्शन लें. रिमीडियल कहते हैं करेक्टिव एक्शन को, इम्प्रूवमेंट को, जहाँ पे आपको लगे कि आप स्लिपेज की तरफ जा रहे हैं. स्लिपेज कहते हैं, आपने जैसे बहुत डिसाइड किया कि मैंने एक काम, लेट से आप आज वीकेंड है फॉर एग्जांपल, तो आप आज शाम को बहुत मोटिवेटेड होके और बहुत एंथुजियास्टिकली पढ़ने बैठे हैं, और आपने ये डिसाइड किया है कि आज अगले 3 घंटों में रात 9 बजे तक मैंने FAR 1 के सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं. 6 बजे आपने बुक्स खोली हैं, 9 o'clock तक का आपने अपने आप को टारगेट दिया है, और यू हैव जस्ट सेट टू वर्क. और अभी आपने FAR 1 के 2 सवाल नहीं किए होते और 12 बज जाते हैं, तो इट मीन्स कि स्लिपेज हो गई. दैट इज़ व्हाट वी कॉल ए स्लिपेज. स्लिपेज कहते हैं डिलेइंग द टास्क फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड एंड टाइम. ठीक है, एक टास्क को आप लेट कर देते हैं एंड टाइम, जिस टाइम पे ख़त्म होना चाहिए था उस टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाता. एक और अच्छी टेक्निक क्या है, आप अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं.
आप डेलीगेट करते हैं दूसरों को, आप सब सब कुछ खुद नहीं कर सकते, इंसानी इंसानी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो एवरीबॉडी कांट डू एवरीथिंग, तो आपको डेलीगेट करना पड़ता है, आपको लोगों को डिसीजन मेकिंग देने पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स विद वन सेल्फ, टाइम टू थिंक एंड टाइम टू रिव्यू, रिफ्लेक्ट करते हैं, चेकलिस्ट यूज करना, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे तो नहीं एग्जामिनर आपसे पूछेगा। हाँ, अब आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि गिव एनी फोर इफेक्टिव टेक्निक्स टू मैनेज टाइम, तो फिर इनमें से कोई से चार पॉइंट्स आप निकाल लेंगे, ठीक है। इंटरप्शन को कंट्रोल करते हैं, ओहो आजकल के स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल काम, आप लोगों का के लिए सबसे मुश्किल काम इंटरप्शन को कंट्रोल करना, इधर पढ़ने बैठते हैं उधर व्हाट्सएप आ जाता है, इधर पढ़ने बैठते हैं उधर फोन आ जाता है, इधर पढ़ने बैठते हैं उधर फेसबुक नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर किताब छोड़ के चलो यार रिप्लाई कर दूँ, इसे कहते हैं इंटरप्शन। इंटरप्शन विल नेवर अलाउ यू टू स्टडी, रिमेंबर। इंटरप्शन को भी कंट्रोल करने के तरीके हैं, फिर सबसे पहले इंटरप्शन तो आपका मोबाइल है, उसे स्विच ऑफ करें या कम अज कम उसे स्विच ऑफ करके जस्ट पुट इट असाइड, ठीक है। मोबाइल फोन सबसे बड़ी इंटरप्शन है आपके लिए, सोशल नेटवर्क फेसबुक व्हाट्सएप, बल्कि बेहतर तो ये है कि मोबाइल फोन जो है वो आप अपनी वालदा को पकड़ा दें अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, बट मेक श्योर कर लें कि स्विच ऑफ कर दिया है वालदा को पकड़ाने से पहले, अदरवाइज योर मदर माइट आस्क यू कि ये बशीर प्लम्बर कौन है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू स्विच इट ऑफ, ओके, या स्विच ऑफ करके चार्जिंग को लगा दें, बिल्कुल ठीक है। एडॉप्ट सर्जरी आवर्स, सर्जरी आवर और ओपन डोर टाइम, ये दो अलग अलग टाइम होते हैं। एक डॉक्टर जब एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा होता है तो उसे सबसे ज्यादा क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, व्हाट डू यू थिंक, जब एक डॉक्टर एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा है तो उसे क्या चीज रिक्वायर्ड है सबसे ज्यादा, मैं इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही नीड्स व्हेन अ डॉक्टर इज ऑपरेटिंग अ पेशेंट, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, शाबाश। सर्जरी आवर्स कहते हैं फोकस आवर्स को, हाँ स्किल तो रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन स्किल से ज्यादा फोकस रिक्वायर्ड है, कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, स्किल हो और फोकस ना हो तो कुछ ना कुछ, हाँ साइलेंस फोकस को इम्प्रूव करता है, ऑब्वियसली साइलेंस फोकस को बेहतर करता है, साइलेंस भी फोकस की ही ऑफ शूट है। आप बहुत स्किल्ड हैं लेकिन आप फोकस्ड नहीं है तो यकीन करें आपका स्किल किसी तौर आपकी हेल्प नहीं करेगा, डॉक्टर जरूर पेशेंट के पेट में छुरी भूल जाएगा अगर वो स्किल्ड है लेकिन फोकस्ड नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं सर्जरी आवर्स, जिन्हें कहते हैं कि आपने अलग कॉन्सेंट्रेशन का टाइम चाहिए। एक होता है ओपन डोर टाइम, ओपन डोर टाइम कहते हैं जिसमें आप ग्रीट अपना यू मीट पीपल, फॉर एग्जांपल यू आर विलिंग टू टेक इनविटेशन और यू आर विलिंग टू इनवाइट पीपल टू योर ऑफिस, तो आपको पता होना चाहिए, फिर आप ऐसे प्लान करके चलें कि सरप्राइज विजिट्स ना मिलें आपको, have regular meeting with clients and colleagues to you know prevent surprise occurring, एकदम आपको आपका कोई supplier मिलने आ गया जो कि आपने plan भी नहीं किया हुआ था तो आपको याद आया कि हो इसको तो मैंने दो माह से report ही नहीं भेजी किसी, तो आपको फिर regular communication करनी पड़ती है surprise occurring से बचने के लिए। तो ये वो सारे के सारे reasons और ये वो सारे के सारे factors हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट को कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है, हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर टाइम मोर इफेक्टिवली मोर अप्रोप्रिएट। अगला जो स्किल है मैनेजमेंट का उसे कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस एक डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट का नाम है जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और मैनेजर्स को ये सिम्टम्स पता होने चाहिए ताकि वो ये देख सकें कि उनके एम्प्लॉई स्ट्रेस में तो नहीं। स्ट्रेस का टॉपिक हम पढ़ेंगे जाके सिक्स चैप्टर में जब हम परसेप्शन की बात करेंगे, बिहेवियर्स की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस एक बिहेवियरल फैक्टर है, तो स्ट्रेस को हम फिर डिस्कस करेंगे सिक्स चैप्टर में जाके। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि आप एक डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट में आ चुके हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। इनोवेशन कहते हैं टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग यूनिक, क्रिएटिविटी लेके आते हैं। इनोवेशन और क्रिएटिविटी में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब होता है उसको जाहिर करना, मैनिफेस्टेशन कहते हैं उसकी जाहिरी शक्ल क्या होगी। मतलब अगर कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या नई सर्विसेज लॉन्च कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी इनोवेट कर रही है। अगर कंपनी अपने किसी
negotiation के अंदर कोई problem solving कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि company जो है वो हाँ manifestation outlook को कहते हैं exactly एक चीज नजर कैसे आती है how can we make something appear अगर एक company नई markets को identify कर रही है यही innovation है इनोवेशन सोर्सेज कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे इस दफा इनोवेशन पे सवाल आ सकता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की सोर्सेज क्या क्या है कहाँ से आती है इनोवेशन की बहुत सारी सोर्सेज हैं एक तो मैनेजर का अपना एक्सपीरियंस है मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से इनोवेशन को सोचता है फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आप टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं आप लोगों को अलाउ करते हैं कि वो आपस में अपने आइडियाज शेयर करें फिर माइंड मैप्स होते हैं माइंड मैप से मुराद आप नोट टेकिंग करते हैं विजुअल नोट टेकिंग करते हैं विजुअल नोट टेकिंग क्या होती है जैसे आपने वो स्टोरी सुनी है क्या नाम था उसका अ पर्सन हैज बॉट अ फ्यू एग्स फ्रॉम द मार्केट एंड देन ही इज थिंकिंग ओके फाइन इफ आई विल हैच दीज एग्स तो इन अंडों में से चूजे निकल आएंगे चूजों को मैं बड़ा करूंगा वो जो ख्याली पुलाव जैसे पकाना कहते हैं टू बिल्ड कैसल इन द ईयर ठीक है तो ये बेसिकली इसे कहते हैं माइंड मैपिंग बिल्डिंग कैसल इन द एयर जो है हाँ शेख चिल्ली एग्जैक्टली तो शेख चिल्ली साहब जो है ही यूज्ड टू बिल्ड कैसल इन द एयर मीन वो उसके उसकी माइंड मैपिंग बड़ी स्ट्रांग थी माइंड मैपिंग इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव बिल्डिंग कैसल इन द एयर इज ऑल इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव बहुत सारी इसमें पॉजिटिविटीज भी हैं आपने ये देखना है कि आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं डेलीगेटिंग डिजाइन एंड इनोवेशन टू अ स्पेशलिस्ट फिर आप स्पेशलिस्ट हायर कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल की मिसाल ले लें एप्पल ने स्पेशलिस्ट हायर किए होते हैं जो कि एप्पल के लिए इनोवेशन करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन बनाते हैं जैसी तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूट करने के बेशुमार तरीके हैं आपने सब्जेक्ट पढ़ा पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन स्किल्स आपको याद होंगे पर्पस क्या होता है ये चीज़ें कोई नई नहीं है आपके लिए आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी These are not new factors, these are not new things. तो ये चीज़ें आपने पहले भी डिस्कस की हुई हैं हाँ exactly. Blindly आप प्राइस नॉमिनेट कर देते हैं तो आपने बेसिकली पोटेंशियल को इलेबोरेट करना होता है यू हैव टू जस्ट सी एंड लुक एट what's हैपनिंग अराउंड एंड what आर द थिंग्स दैट कैन चेंज इफ यू आर गोइंग टू चेंज अ बिट कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं आप सपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को प्लान्स को कोऑर्डिनेट करते हैं आइडियाज जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन सीक करते हैं प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को हर लेवल पे कम्युनिकेट करना होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन भी होती है हॉरिजॉन्टल भी होती है और डायगोनल भी होती है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा सब्जेक्ट है तो कम्युनिकेशन के ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम हैं अगला जो टूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टूल इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग मैनेजर ने ये स्किल भी यूज करनी होती है मैनेजर हमने याद है पढ़ा था मॉनिटरिंग रोल ऑफ मैनेजर में हमने मॉनिटरिंग की बात की थी ना तो मैनेजर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर मॉनिटरिंग का रोल प्ले करता है अच्छा इंफॉर्मेशन गैदर करने के तीन तरीके हैं लिसनिंग ऑब्जर्विंग इंटरव्यूइंग इंफॉर्मेशन गैदर करने के तीन तरीके हैं दो तरीके फॉर्मल हैं एक तरीका इनफॉर्मल है दो तरीके फॉर्मल हैं और एक तरीका जो है वो इनफॉर्मल है फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूइंग जो है ये फॉर्मल है ऑब्जर्वेशन सॉरी क्वेश्चनेयर जो है ये फॉर्मल है हाँ चार हैं दो फॉर्मल हैं दो इनफॉर्मल इंटरव्यूज आर वेरी फॉर्मल क्वेश्चनेयर्स आर वेरी फॉर्मल इसके बरस ऑब्जर्वेशन इनफॉर्मल है और लिसनिंग भी इनफॉर्मल है लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है लिसनिंग से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं फीडबैक ले लेते हैं आप प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से अराइज हो रही हैं एंड हाउ दोज प्रॉब्लम्स नीड टू बी हैंडल्ड ऑब्जर्वेशन से आप प्रोसेसेस की इंटरेक्शन और इफेक्टिवनेस को मेजर कर लेते हैं मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर कौन सा ऑपरेशन स्लो है आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर हैं और आप ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर सर्विसेज ऑपरेशंस में कहाँ प्रॉब्लम है तो आप चुपके से ऑब्जर्व करते हैं सिंपली ऑब्जर्व करते हैं कि किस वेटर ने जब ऑर्डर लिया तो ऑर्डर कितनी देर में उसने किचन में पहुँचाया किचन में ऑर्डर कितनी देर में प्रिपेयर हुआ वहाँ से टेबल तक कितनी देर में आया ये तमाम चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं तो ऑब्जर्वेशन अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ प्रोसेस
ऑब्जर्वेशन से आप किसी भी प्रोसेस के बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. इंटरव्यूज आर वर्बल ओरल वेज टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन. इंटरव्यूज हम करते हैं जॉब कैंडिडेट्स के, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंटरव्यूज के अंदर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल इंटरव्यू के स्टेप्स क्या होते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल इंटरव्यू के 5 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आप एजेंडा प्लान करते हैं. एजेंडा कहते हैं आपका गोल क्या है. एजेंडा मीन व्हाट इज द गोल ऑफ दिस एक्टिविटी. ये जो आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इस इंटरव्यू का गोल क्या है आपका. तो आप पहले एजेंडा प्लान करते हैं, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंटरव्यू जो है ये आपने पूछ के किन किस्म के क्वेश्चंस का आंसर निकालना है. फिर आप इंटरव्यू को ओपन करते हैं. ओपन से मुराद है आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. फिर आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. इंटरव्यू कंडक्शन के अंदर आप क्वेश्चनिंग भी करते हैं, सुनते भी हैं, दोनों काम करते हैं. फिर आप इंटरव्यू को क्लोज करते हैं. एक फॉर्मल थैंक्स के साथ आप इंटरव्यू को क्लोज कर देते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 नंबर का, कि इंटरव्यू की इफेक्टिवनेस के स्टेप्स कौन कौन से. क्वेश्चनियर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट टू कलेक्ट रिटर्न डेटा. जैसे एटीट्यूड सर्वेज होते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कस्टमर की आपके प्रोडक्ट के बारे में राय कैसी है. तो आप उसे क्वेश्चनियर के थ्रू पूछ लेते हैं, जी एवरेज है, वेरी गुड है, बैड है. क्वेश्चनियर के फायदे ये होते हैं कि क्वेश्चनियर्स आर रीयूजेबल, दोबारा यूज हो सकते हैं. आपने एक क्वेश्चनियर यूज किया एक पर्टिकुलर मार्केट से डेटा इकट्ठा करने के लिए, अब आप वही क्वेश्चनियर यूज कर सकते हैं किसी और मार्केट से डेटा इकट्ठा करने के लिए. दे आर रीयूजेबल. डिसएडवांटेज क्या है? लो रिस्पॉन्स रेट होता है. मतलब आपने 100 लोगों को भेजा और सिर्फ 20 लोगों ने जवाब दिया, इसे हम लो रिस्पॉन्स रेट कहते हैं. हाउ मेनी पीपल रिस्पॉन्डेड टू योर क्वेश्चनियर, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स रेट. फिर क्वेश्चनियर के अंदर आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ठीक है ना. क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है. एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट द डेटा प्रोटेक्शन लॉज. अगला स्किल है निगोसिएशन. निगोसिएशन पे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 10 चैप्टर. अच्छा जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ये क्वेश्चन है. इसके आगे मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं, वेरी बैड, वेरी गुड. इट इज अ बाइपोलर क्वेश्चन. इसे कहते हैं बाइपोलर क्वेश्चन एंड इट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. हो सकता है आप थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी के साथ मुझे ये बताना चाह रहे हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इन्हीं दो में से एक जवाब दे सकते हैं. या आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं या बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं. ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन. अ क्वेश्चन दैट नॉट अलाउज द रिस्पोंडेंट टू गिव अ सब्जेक्टिव आंसर, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन जो, हाँ, एम सी क्यूज आर क्लोज एंडेड, एग्जैक्टली. एम सी क्यू, शाबाश, एम सी क्यूज जो है दे आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन. अभी क्लोज एंडेड क्वेश्चन की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं. बायोपोलर क्वेश्चन होते हैं, लाइकर्ट स्केल वाले क्वेश्चन होते हैं. वो सेकेंड चैप्टर में जाके, नॉट इन सेकेंड चैप्टर, ये वाले क्वेश्चनर्स हम डिस्कस करेंगे कहीं लीडरशिप में जाके, थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे इसकी, ठीक. सो निगोसिएशन का स्किल भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. Negotiation talks about that how convincing you are or to what extent you can convince others on your point of view. Negotiation is an important skill. आना चाहिए managers को. और ये skill वो है जो सिखाया नहीं जाता, ये आप खुद सीखते हैं. और आखिरी, इसके बाद coaching and mentoring है हमारे पास. Coaching and mentoring के अंदर क्या होता है? What happens then? Coaching and mentoring. लेट मी जस्ट, मैं इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाना चाह रहा हूँ एक्चुअली कोचिंग एंड मेंटोरिंग पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो लेट्स नॉट जस्ट इसको सर से नहीं गुजारना, इसको फिर हम इंशाल्लाह मंडे पे डाल देते हैं, क्योंकि इसके हमें कम से कम 15-20 मिनट चाहिए कोचिंग और मेंटोरिंग का डिफरेंस समझाना, और उसके बाद फिर ये डिटर्मिन करना कि अच्छा कोच कौन होता है, अच्छा मेंटोर कौन होता है. तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है.
So our discussion for today is close here. मंडे को मैं अनाउंस करूंगा कि सब है, प्रॉबेबली वेंसडे या थर्सडे को, ठीक है, मंडे को नहीं है टेस्ट इन एनी केस, ओके। तो मंडे, हाँ, तो मैं मंडे को अनाउंस करूंगा ना, टॉपिक भी अच्छी और टेस्ट का टोटल कंटेंट भी, ठीक है, लाइक पहले टेस्ट से आगे जितना कंटेंट है वो सारे का सारा आपको मंडे को होगा। ये मैं कहता हूँ आपसे टेस्ट का रिजल्ट शेयर करता है, और मुझे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया था कुछ क्विज़ टेस्ट भी डिस्कस करने के लिए, आई कुडंट गेट टाइम, आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह बाय इवनिंग, ठीक है, उसका जवाब मैं शाम तक दे दूंगा। उसके अलावा किसी को कोई कंसर्न हो, कोई इशू हो, तो आप ओके, हाँ फॉर्म आपने दिया था, कोई इशू हो, कोई कंसर्न हो, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से आई वाज बैक इन माय क्लासेस, सो आई कुडंट गेट द टाइम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भी शेयर है, व्हाट्सएप से निकाल सकते हैं, और यू कैन हैव इट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो मंडे को इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि अगला टेस्ट की, लाइक अगले टेस्ट की मोडालिटीज क्या हैं, ओके। तो लेट्स कंक्लूड इट हियर फॉर टुडे, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है मंडे को, होपफुली। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।